हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। यूपी डब्ल्यूएससी की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा है वो संपन्न करा ली गई है। आपकी उत्तर कुंजी भी आ चुकी है, आप लोगों ने जांच लिए होंगे कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोगों के सवाल बने होंगे कि भैया आप कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हर तरह से एनालिसिस किया गया है कि इस परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और आपका जो परिणाम है वो यहाँ पर कब तक आ सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनल कट ऑफ की, कि फाइनल कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। अगर परीक्षा के स्तर की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा, इस परीक्षा के अंदर जो है हिंदी, GS और रीजनिंग पूछा गया था, जिसमें कि हिंदी 80 नंबर की थी और GS 60 नंबर का था, रीजनिंग भी आपकी 60 नंबर की थी। अगर बात करें कि हिंदी का जो लेवल था वो क्या इस बार का रहा, तो इस परीक्षा के अंदर जो हिंदी का लेवल था इजी टू मॉडरेट रहा। और अगर GS की बात करें तो GS का जो लेवल था काफ़ी अच्छा खासा लेवल इस बार GS का इस परीक्षा के अंदर देखा गया। छात्रों ने पूरे प्रश्न हल नहीं कर पाए, और अगर प्रश्न आप लोग कर रहे थे ना तो आपको पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा था और उसके ऑप्शन भी पूरे पूरे पढ़ने पड़ रहे थे, उसके बाद ही टिक लगा पा रहे थे। तो GS का जो लेवल है अच्छा रहा था यहाँ पर। रीजनिंग का जो लेवल था मॉडरेट लेवल में मानूंगा, क्योंकि मैंने पेपर पूरा देखा था और रीजनिंग के अंदर कुछ मैथ के क्वेश्चन भी इसमें एड ऑन किए गए थे, क्योंकि मैथ यहाँ पर नहीं पूछा गया था। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन परीक्षा के अंदर मैथ नहीं पूछा जाता है तो रीजनिंग के अंदर ही वो इंक्लूड कर देते हैं, हालांकि इतना टफ वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें आपकी परीक्षा के स्तर की, तो यहां पर आपको मैंने लिख के दिखा दिया है यही स्तर रहा था इस बार परीक्षा का। अब बात करते हैं सीधी सीधी इस परीक्षा के लिए फाइनल कट ऑफ की, है ना। यहां पर पदों की अगर संख्या की बात करें तो पद जो है आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि जनरल के लिए 415 पद थे, 134 ओबीसी के लिए थी, 93 यानी कि 93 पद जो है एससी के लिए थे, 13 पद यहां पर एसटी के लिए थे। और अगर टोटल पदों की बात करें तो 655 टोटल यहां पर पद थे। अगर आप लोगों के जो नंबर हैं इस हिसाब से बन रहे हैं, आप लोग जनरल की कैटेगरी में अगर आते हैं और आपके जो नंबर हैं 129 से लेकर 131 तक बन रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं आराम से। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 125 से 129 नंबर आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 118 से लेकर 121 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 116 से 120 नंबर अगर आप लोग वहाँ पर अपने उत्तर कुंजी में चेक किया है तो उसमें अगर आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस वन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है इसको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नाम देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित कट ऑफ है। तो यहाँ पर आप लोग अगर प्लस माइनस वन यहाँ पर हो सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको काफ़ी सारी कट ऑफ्स बताई हैं, पैट की कट ऑफ बताई थी, लेखपाल की कट ऑफ बताई थी और भी काफ़ी सारी कट ऑफ्स बताई हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आगे अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ यहाँ पर 122 से 127 रह सकती है। इसमें मैंने यहाँ पर प्लस माइनस टू लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस टू ही होगा बस। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अगर फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने आप को सिक्योर यहाँ पर मान सकते हैं। किसी भी परीक्षा की जो कट ऑफ होती है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से यहाँ पर एक फैक्टर है ये, जिसमें कि परीक्षा में उपस्थित कितने छात्र रहे थे। तो लगभग 45% जो है छात्र इस परीक्षा में उपस्थित रहे थे। काफ़ी सारे छात्रों ने इस परीक्षा को छोड़ा था, क्योंकि परीक्षा बहुत पुरानी थी, 2019 में ये पद आए थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, किसी और जॉब में सेलेक्ट हो गए होंगे और वो इस परीक्षा को छोड़ दिए हो, है ना, पुरानी भर्ती थी इसलिए बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था। एब्सेंट की बात करें तो 55% से लेकर 50% जो है छात्र इसमें अनुपस्थित रहे थे। तो ये भी फैक्टर यहाँ पर होता है कि आपकी जो कट ऑफ होती है इस पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अगले चरण के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जो कि आप लोग पूछ रहे थे कि भैया अब अगला चरण क्या होगा। तो अगले चरण के लिए यहाँ पर आपका पहले फिजिकल होने वाला है, और फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, जो कि 4 घंटे के अंदर आपको करनी पड़ेगी। और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 14 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा और 4 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, और 10 किलो वजन भी आपको लेके यहाँ पर चलना पड़ सकता है। ठीक है, और अगले चरण में कितने छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाए
जाएगा। आमतौर पर क्या होता है, यूपी डबल एस सी की कोई भी परीक्षा होती है, मान लो पैट की जो परीक्षा थी उसमें 15 गुना बुलाए गए थे, वैसे 3 गुना तक बुलाए जाते हैं, 3 से 4 गुना छात्रों को बुलाया जाता है जितनी भी वैकेंसीज आई होती है। लेकिन इस परीक्षा के अंदर जो फिजिकल है अच्छे लेवल पर जो है आयोजित करवाया जाएगा, इसलिए लगभग यहाँ पर 6 गुना छात्रों को बुलाया जा सकता है, यानी कि 3500 छात्र यहाँ पर बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा यहाँ पर एनालिसिस, आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली होंगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके कितने नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कट ऑफ का, ये कट ऑफ है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे बताना जब फाइल कट ऑफ आएगी या फिर परिणाम आएगा, तब आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल सही से समझ में आ जाएंगी। अगर हम परिणाम की बात करते हैं कि भैया परीक्षा का जो परिणाम है वो कब तक आएगा, तो परिणाम इसका अभी नहीं आने वाला है, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी आप लोगों ने आपत्तियाँ भी दर्ज करी होंगी, उसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की के बाद यहाँ पर जो है पूरा कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है, 5 से 6 महीने आप लोग मान सकते हैं आराम से, कि उसके बाद ही इसका जो परिणाम है वो आ सकता है। ठीक है, फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट कर दें, और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि कितने नंबर बन रहे हैं और किस कैटेगरी से आप लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।